एक आदमी जो पिछले कई सालों से लापता था, घर वाले, पुलिस वाले, यहां तक कि क्राइम ब्रांच भी उस आदमी को खोज खोज के थक चुकी थी। लिहाजा जब उस आदमी का कोई पता नहीं चलता तो पुलिस वाले भी इस मामले को बंद कर देते और किसी दूसरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। लेकिन इस कहानी में, इस घटना में 4 साल बाद एक ऐसा मोड़ आता है और पुलिस वालों के हाथ कुछ सुराग, कुछ सबूत ऐसे लगते हैं जिसके बाद जब पुलिस वाले इस मामले का खुलासा करते हैं और जब मामला निकल के सामने आता है तो ना केवल उस आदमी के घर वाले हैरान हो जाते हैं बल्कि आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं और इस मामले की जो गूंज है आज पूरे देश में हो रही है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को, इस सच्ची घटना को सुनाने का सबसे बड़ा रीजन यही है, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अगर आप अपने आसपास हो रही घटनाओं को, अपने देश में हो रही घटनाओं को जानते रहेंगे, उनसे परिचित रहेंगे, तो शायद आप अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को कहीं भी रोक सकते हैं, शायद उनसे सतर्क रह सकते हैं और भविष्य में आपके साथ ऐसी कोई घटना ना हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई सुझाव, कोई सजेशन जो आप मुझे देना चाहें तो प्लीज आपका स्वागत है। आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव, अपना सजेशन दे दीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 में। उत्तर प्रदेश में एक जिला है गाजियाबाद और वहीं पे एक जगह लगती है सिहानी गेट। वहीं का रहने वाला चंद्रवीर उर्फ पप्पू अपने घर से अचानक से 28 सितंबर को गायब हो जाता है। अब जब पप्पू गायब होता है तो घर वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं, हैरान होते हैं कि पप्पू अचानक से कहाँ चला गया। कुछ देर तक खोजते हैं, खोजने का सिलसिला हफ्तों तक चलता है, लेकिन जब पप्पू का कुछ पता नहीं चलता तो अंत में मजबूरी में थक हार कर 5 अक्टूबर 2018 में जो चंद्रवीर और पप्पू के भाई भूरे सिंह हैं, वो पप्पू की मिसिंग कंप्लेंट सिहानी गेट पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज करवाते हैं। इधर पत्नी का भी रो रो के बुरा हाल था, घर में एक छोटी बच्ची थी उसका भी रो रो के बुरा हाल था। घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे, हैरान थे कि पप्पू अचानक से चला कहाँ गया। इधर पुलिस वाले भी अब पप्पू को खोजने निकलते हैं, घर पे आते हैं, सारी छानबीन करते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस वाले चाहे जितना हाथ पांव मार रहे थे, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। पुलिस पप्पू को खोजने की लगातार कोशिश कर रही थी, फोन सर्विलांस निकाल रही थी, लेकिन फोन का जो लोकेशन था लास्ट टाइम घर पे ही मिलता है। इसके बाद जो पुलिस का शक था वो पप्पू के घर वालों पे ही जाता है। अब पप्पू की पत्नी से पूछताछ की जाती है तो जो पप्पू की पत्नी है सविता, वो पप्पू के भाई भूरे सिंह पे ही शक जाहिर करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि इस मामले में जो चंदबीर और पप्पू का भाई भूरे सिंह है वही दोषी है। लिहाजा पुलिस का जो शक था भूरे सिंह पे हो जाता है। पुलिस वाले भूरे सिंह के पीछे लगते हैं, उसके बारे में छानबीन करते हैं। इधर जो पत्नी सविता है वो बार बार थाने आती है, बार बार अपने पति की गुमशुदगी के बारे में पूछताछ करती है कि पप्पू कहाँ गायब हो गया, पप्पू के बारे में कुछ पता चला या नहीं। थाने आती, पुलिस वालों से पूछती और जब उसे पता चलता, जब उसे इस बात का एहसास होता कि आज भी कुछ मामले में प्रोन्नति नहीं हुई है, कुछ मामला आगे नहीं बढ़ा है, तो पत्नी आंखों में आंसू लिए घर आ जाती। इधर बेटी भी बड़ी हो रही थी, बेटी भी बार बार पूछती कि मम्मी पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। माँ बार बार दिलासा देती कि बेटा पापा जल्द आ जाएंगे। लेकिन जब समय बीतता जा रहा था, 2018 से 2019 आ गया और पप्पू का कुछ पता नहीं चलता, इधर बेटी भी अंत में हार मान लेती है, इधर सविता भी हार मान लेती है। भाई के ऊपर शक ही था, उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, लेकिन उसके खिलाफ भी जब कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिलता तो पुलिस वालों को लगता है कि क्यों ना मामला क्राइम ब्रांच को दे दिया जाए। अब पुलिस इस मामले को क्राइम ब्रांच को देती है, क्योंकि जो सविता है वो बार बार थाने में आके मदद की गुहार लगा रही थी, कभी SSP के पास, कभी SP के पास, कभी कोतवाल के पास। उसका एक ही कहना था कि चाहे जैसे कीजिए, लेकिन मेरे पति को, पप्पू को आप खोज दीजिए। लिहाजा पुलिस वाले इस मामले को क्राइम ब्रांच को हैंडओवर करते हैं। क्राइम ब्रांच इस मामले में लगती है, लेकिन किसी आदमी को खोजने के कुछ ही तरीके होते हैं। पहला उसकी लोकेशन निकाली जाए, दूसरा उसके फ़ोन की लोकेशन निकाली जाए। अब चूंकि जब पप्पू गायब हुआ था तो उसका फ़ोन घर पर ही था, तो फ़ोन से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लिहाजा जब पुलिस भी खोज के थक जाती है, क्राइम ब्रांच भी खोज के थक जाती है और पप्पू का कुछ पता नहीं चलता, तो इस मामले को ठंडे बक्से में डाल दिया जाता है, मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इधर सविता का भी जो थाने जाके मदद की गुहार का कार्यक्रम था वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। वो साल 6 महीने में एक आध बार जाती, एक बार पूछ लेती कि पप्पू का कुछ पता चला या नहीं। शायद सविता भी अब हिम्मत हार चुकी थी, सविता को भी लग रहा था कि शायद पता नहीं चलेगा। लेकिन इस घटना के ठीक 4 साल बाद
इसी साल 2022 में, शायद इसी महीने में, जो वहां के एसपी हैं, एसएसपी, वो फिर से एक बार आदेश देते हैं कि ऐसे मामले जो पेंडिंग पड़े हैं उन मामलों को फिर से चेक किया जाए, उन मामलों को फिर से खुलासा किया जाए, उस पर जांच पड़ताल की जाए, और जितने भी मामले सॉल्व हो सकते हैं उनको फिर से सॉल्व किया जाए। तो इन सारे मामलों को जब खंगाला जाता है, इस मामले में, इन सारे मामलों में जो चंद्रवीर पप्पू की मिसिंग कंप्लेन थी, ये मामला भी पेंडिंग पाया जाता है। तो वहाँ के जो एसएसपी हैं वो आदेश देते हैं कि इस मामले को भी जल्द से जल्द सुलझाया जाए, इस मामले में भी जल्द से जल्द कुछ प्रगति की जाए, कुछ आगे बढ़ा जाए, और पप्पू कहाँ है उसके बारे में पता किया जाए, जिंदा है या मर गया। ये सारे सवाल एसएसपी अपने अंडर काम करने वाले अधिकारियों से पूछते हुए कहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। अब पुलिस वाले इस मामले में नए तरीके से, नए सिरे से काम करने में जुटते हैं, और सबसे पहले पप्पू के घर आते हैं और उसके भाई से फिर से पूछताछ करते हैं। उसके बाद फिर पप्पू की पत्नी सविता से पूछताछ करते हैं। अब जब वो पप्पू की भाई और पप्पू की पत्नी से पूछताछ करके वहाँ से जाने लगते हैं, तभी उनकी नज़र पप्पू की बेटी पे पड़ती है, और पुलिस वालों को लगता है कि क्यों ना एक बार इस बच्ची से भी एक पूछताछ कर ली जाए, शायद ये बच्ची कुछ ऐसा बता दे जिससे मामले का खुलासा हो जाए। इसके बाद इस बच्ची को एकांत में ले जाके इस बच्ची से भी पूछताछ की जाती है, क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद घर में ही कोई मुजरिम छिपा हो, क्योंकि उनका पहला शक पप्पू के भाई भूरे पे ही था। लेकिन इस बच्ची को जब अलग ले जाके इस बच्ची से पूछताछ किया जाता है, तो बच्ची कुछ ऐसा बोलती है जिसके बाद इस मामले को एक अलग दिशा मिल जाती है। दरअसल बच्ची बताती है कि उससे अपनी माँ पे ही शक है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। एक महिला जो पिछले 4 सालों से अपने पति को खोजने के लिए थाने के चक्कर लगा रही है, थाने के इर्द गिर्द घूम रही है, बार बार कभी एसपी से मदद मांग रही है, कभी एसएसपी से मदद मांग रही है, कभी कोतवाल से मदद मांग रही है, आज उसी की बेटी उसी के ऊपर शक कर रही है। अब चूंकि बेटी बड़ी हो चुकी थी, उसके शक को भी ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता था, लिहाजा पुलिस वाले जो पप्पू की पत्नी सविता है उसे थाने ले जाके पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। अब जब पूछताछ करते हैं, थोड़ा सख्ती से पुलिसी अंदाज में पूछताछ करते हैं, तो इसके बाद सविता कुछ ऐसी बात बताती है जिसके बारे में जब पुलिस वालों ने सुना, और ये खबर जब आज बाहर आई, ये कल परसों की घटना है, जब ये खबर बाहर आई तो ना केवल पुलिस वाले चौंके, बल्कि आसपास के लोग जिन्होंने भी ये खबर सुनी, चाहे उन्होंने आज तक पे पढ़ा चाहे किसी अदर चैनल पे पढ़ा, उन सारे आदमियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल जब सविता से पूछताछ की जाती है तो सरिता थोड़ी देर में टूटती है, और टूटने के बाद बताती है कि उसने ही अपने पति का मर्डर किया है, और उसका जो पति है उसके पड़ोसी के घर के अंदर दफन है पिछले 4 सालों से। अब ये बात, ये खुलासा जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले भी एक बार सकते में आते हैं, और उसके बाद फिर सिलसिलेवार तरीके से जब सविता से पूछताछ की जाती है और पूछा जाता है कि पूरा मैटर क्या है, पूरा मामला क्या है, तब इसके बाद जब सरिता उगलना शुरू करती तो कहानी जो बताती है उस कहानी के हिसाब से जो सविता और उसके पड़ोसी अरुण उर्फ अनिल, ये दोनों एक दूसरे से साल 2017 से ही प्यार करते थे, और इस रिश्ते की जो भनक थी वो कहीं ना कहीं पप्पू को लग गई थी। कई बार पप्पू इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख चुका था, इस वजह से पप्पू और अरुण में मारपीट भी हुई थी, लेकिन कोई ऐसी सीरियस वजह मिल नहीं रही थी जिससे इन दोनों का तलाक हो सके। इधर सविता जो थी वो तलाक चाहती थी, और वो चाहती थी कि अरुण के साथ रहे, इधर अरुण भी सविता के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। इसी क्रम में 28 सितंबर 2018 को जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं दिन में, तो मिलने के बाद इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे पप्पू और उर्फ चंद्रवीर हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। इसके बाद अभी इस मामले में विचार करना शुरू करते हैं कि क्या ऐसा किया जाए जिससे चंद्रवीर रास्ते से हट जाए, चंद्रवीर का काम तमाम हो जाए और इनके ऊपर शक भी ना आए। तो शुरू शुरू में ये दोनों चंद्रवीर को जहर देने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अब जहर देने में कई चीज़ें थी। पहला कि जहर का असर तुरंत नहीं होगा, और देने वाले के बारे में पप्पू को पता चल जाएगा कि जहर किसने दिया तो शायद वो किसी और को भी बता दे, या फिर हो सकता वो ना मेरे हॉस्पिटल जाए और पूरे बारे में बता दे कि कौन जहर दिया, किसने क्या खिलाया था। तो ये प्लान उन्हें सही नहीं लगता। उसके बाद अब ये दोनों कुछ दूसरा प्लान बनाते हैं, और इस प्लान के तहत जब 28 सितंबर की रात को पप्पू शराब पी के अपने घर आता है, बेड पे सोता है, तो सोने के बाद, अब ये प्लान कई दिनों से चल रहा था, लिहाजा जो अरुण है वो अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को अपने गांव ले जाके छोड़ देता है। इधर जो सरिता है
वो भी अपनी बेटी को, बेटी तब छोटी थी 13-14 साल की थी, उसको भी सुला देती है। भाई भी शायद कहीं बाहर गया हुआ था, इस वजह से इन्होंने 28 सितंबर की रात को चुना। इसके बाद जैसे ही पप्पू शराब पी के आता है, तो शराब पी के आने के बाद वो नशे में धुत था, खाना खाता है। सविता उसे जल्द से सुला देती है। उसके बाद अरुण को बुलाती है, अरुण आता है और आने के बाद जब देखता है कि जो चंदवीरू पप्पू हैं वो सो रहे हैं, तो सोने के बाद उनके सर के नीचे एक बाल्टी रखता है। इसके बाद सविता हैरान होती है कि इस बाल्टी को आप क्यों रख रहे हैं। उसके बाद वो कहता है बस देखती जाओ। बाल्टी रखने के बाद वो अपनी कमर से तमंचा निकालता है और पप्पू के सर पे रख के फायर कर देता है। फायर करने के बाद जाहिर सी बात है सर में गोली लगी, ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अब सर से जो खून बह रहा था, उस खून को ये उसी बाल्टी में गिरने देता है, क्योंकि इसके कैलकुलेशन के हिसाब से जो इसने सुना था, जो इसने पढ़ा था, कि शायद आधी बाल्टी खून एक आदमी के शरीर में होगा। अब सोच के देखिए 11 बजे गोली मारता है। गोली मारने के बाद पूरे खून के निकल जाने के इंतजार करता है। इसके बाद बीच बीच में ये बाहर भी जाता रहता है कि शायद किसी ने गोली की आवाज़ सुनी या नहीं। इसके बाद जब पूरा खून निकल गया, उसके बाद ये बाहर आता है, आसपास देखता है, जब कोई दिखाई नहीं देता, तो ये पप्पू की लाश को अपने घर में लाता है। घर में गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोदने के बाद 6 फीट गहरे गड्ढे में पप्पू की लाश को रख देता है। अब रखने के बाद जब दफनाने के कार्यक्रम शुरू होता है, तब ये देखता है कि पप्पू के हाथ में कड़ा है जिसपे उसका नाम लिखा हुआ है। तो इसके बाद अब इसको लगता है कि कहीं हो सकता है कई सालों बाद इस मामले का खुलासा हो जाए, और चूंकि बॉडी तो गल जाएगी लेकिन कड़ा बचा रहेगा, और कड़े से हो सकता है इसकी पहचान हो जाए। उसके बाद अभी कड़ा निकालने का कार्यक्रम शुरू करता है। चूंकि गड्ढा खोदने में, इन सारे कामों में काफ़ी देर का वक्त लग चुका था, लिहाजा जो पप्पू की लाश थी वो अकड़ गई थी। अब अकड़ने के बाद हाथ से कड़ा निकल नहीं रहा था। इसके बाद इसके पास समय भी नहीं था। इसके बाद इसने जो कुछ किया और जो कुछ सविता ने किया, शायद कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद जब कड़ा नहीं निकलता, तो सविता और अरुण मिलके पप्पू के हाथ को काट के अलग कर देते हैं। उसके बाद पंजे की साइड से ना निकलने की वजह से कलाई की साइड से उस कड़े को निकालते हैं, कड़े को अपने पास रखते हैं और हाथ को सिकरोड गांव के पास से केमिकल फैक्ट्री, वहीं पे ले जाके फेंक देते हैं पॉलीथीन में लपेट के, और उसके बाद बाकी शरीर को दफना देते हैं। सविता आनंद फान में घर में आती है, घर में साफ सफाई करती है। साफ सफाई करने के बाद जो तमंचा था और जो चाकू और कुल्हाड़ी थी जिससे हाथ पैर काटा गया था, माफ कीजिएगा हाथ काटा गया था, उस कुल्हाड़ी को और उस तमंचे को एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर के मलबे के नीचे रख दिया गया, ताकि कुछ दिन में उसके ऊपर कुछ बन जाए और मामला जो है दृश्यम मूवी की तरह गायब हो जाए। इसके बाद जब लाश को दफनाता है, अगले ही दिन अपने आंगन में, अपने रूम में जहाँ इस लाश को दफनाया गया था, उस पर फर्श बनवा देता है। अगले दिन सविता उठती है, एकदम नॉर्मल एक्टिंग करती है, अपने देवर या जेठ के पास जाती है जो भूरे सिंह था, उस पर जाके रोने लगती है और कहती है कि पता नहीं पप्पू कहाँ चले गए। उसके बाद अपनी बेटी को बताती है, खूब रोने की एक्टिंग करती है, थाने में जाती है, मदद की गुहार लगाती है और 4 सालों तक पुलिस को गुमराह करती है। लेकिन इसी बीच जो इसका लगाव था वो अरुण से इतना ज़्यादा हो गया था कि बेटी भी अब बड़ी हो रही थी, धीरे धीरे नोटिस कर रही थी कि पापा के जाने के बाद किस तरह से मम्मी अरुण से एक नज़दीकी बढ़ा रही हैं, संपर्क बढ़ा रही हैं। इसी वजह से उस बेटी को अपनी माँ पे शक था। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले, जहाँ एक तरफ एक लड़की को 35 टुकड़ों में काटा गया, कल मैंने वो कहानी सुनाई लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से वीडियो डिलीट हो गई और दोबारा मैं अपलोड करना नहीं चाहता। जिन्होंने सुन लिया सुन लिया, नहीं तो इस कहानी को बहुत सारे चैनल ने कवर भी किया, तो मेरा सुनाना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं था। और दूसरी तरफ एक पत्नी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को काटती है, मारती है, उसके खून को बाल्टी में डालती है। तो इस दुनिया में सम सर का एक बेहद फेमस डायलॉग है कि कोई ऐसा रिश्ता बचा नहीं है जिसका खून ना हुआ। और शायद इस कहानी को जो कल हुआ, जो आज हुआ, इन दोनों कहानियों से अब इस बात की पूरी तरह पुष्टि भी हो जाती है कि शायद ही कोई ऐसा रिश्ता बचा हो। अभी बीच में मैं पढ़ रहा था कि पिता जो पिता हैं उन्होंने अपने बेटी की सुपारी दी, इधर कुछ और सुनने को मिलता है। इन सारी चीज़ों से आपको भी बचना है। इस कहानी को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप कहानी सुनने के शौकीन हैं तो रोज़ 8:30 बजे रात को मैं सुनाता हूँ, तो आप प्लीज़ आइए, सुनिए, चैनल को प्यार दीजिए, मुझे भी अपना प्यार दीजिए।
तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।